नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर पांडे और आप देख रहे हैं SSP न्यूज पलामू। तो इस 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान पुनः 500 वर्ष के बाद हो रहे हैं। इस खुशी में पूरे देश विदेश सभी जगह भव्य कार्यक्रम का आयोजन, भव्य भंडारा, जो जितना सक्षम है उस प्रकार से सब लोग उस दिन सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ 22 तारीख को भव्य दीपावली आयोजन भी पूरे देश में किया जाएगा। और लोगों से भी अपील किया गया है कि सभी लोग कम से कम 11 दिया अवश्य जलाएं और एक दीप उत्सव मनाएं। तो इस अवसर पर आज हम पहुंचे हैं राजमणि एंटरप्राइजेज। यहां से मुझे सूचना मिला कि यहां भी 22 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। अब इनसे हम जानेंगे कि क्या उस दिन क्या क्या सोचे हैं और क्या बड़ा करने वाले हैं। तो चिंटू भैया क्या क्या कर रहे हैं 22 तारीख को भव्य राम मंदिर के शुभ अवसर? सबसे पहले जय सियाराम सभी लोगों को। उस दिन हमारे बाबा कुमार शतोधन प्रसाद सिंह के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि 22 तारीख को जब अयोध्या में रामलला का स्थापना किया जाएगा, जो 550 साल से यहाँ वहाँ भटक रहे थे, उनको सही जगह पर विराजमान किया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि हर लोग अपने घर पर 11 दिया जलाएं, हर एक प्रति व्यक्ति जलाएं। तो हमने अपने बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ पर मंदिर प्रांगण में भंडारा सह दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम करने का सोचा है 22 तारीख को, जिसमें यहाँ भंडारा हजारों हजार की संख्या में लोगों को प्रसाद वितरण करने का व्यवस्था किया जा रहा है। 1100 दीप प्रज्वलित करने का व्यवस्था किया जा रहा है। सभी लोग से अनुरोध होगा, हम लोग इस पल में हम लोग को अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इस घड़ी में हम लोग जन्म लिए हैं, कि जिस समय रामलला अपने सही जगह पर विराजमान हो रहे हैं, हम लोग के लिए ऐतिहासिक पल है। हम लोग इसमें चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं, खुशी है अपने आप में। और यहाँ भंडारा करने का आयोजन निर्णय लिया भी, इसमें सभी लोग से आग्रह होगा इस क्षेत्र के वासी से, जितना अधिक से अधिक संख्या में आए, यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, दीप प्रज्वलित करें। अत्यंत जो गरीब लोग होंगे, असहाय लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, कमल का भी वितरण किया जाएगा इस अवसर पर। तो आप सुने अभी कि रामलला जिस दिन विराजमान होंगे, यानी 22 तारीख को, ये बाबूदुरा जगह को बाबूदुरा कहा जाता है, इसी प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही साथ भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नोएडा प्रखंड वासियों से अपील किए हैं कि भारी की भारी संख्या में आए और प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही साथ जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा। धन्यवाद। तो आप लोग अवश्य आएँ।